हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ स्प्रिंग रोल की रेसिपी, वेज स्प्रिंग रोल। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके शेड्स कैसे बनाए जाते हैं और इसे कैसे अच्छे से रैप किया जाता है। यहाँ मैं आपको सब दिखाऊंगी, बहुत परफेक्ट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बन के तैयार होता है। तो आप इस रेसिपी को शुरू से लेके आखिर तक फॉलो कीजिए और आई होप गाइस ये पूरे अच्छी तरीके से आप सबसे बन के निकलेगा और टेस्ट में भी बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 पाव के करीब मैदा लिया है, इसे इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने मैदा पूरा डाल दिया है यहाँ, और तो बस अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, बहुत थोड़ा सा नमक डालना है। यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच नमक यूज़ किया है। फिर इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच के करीब घी, आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेल्ट किए हुए घी यूज़ किया है। इसे अच्छे से मिलाएंगे, हमें इसे मोइन नहीं करना है, बस मिक्स करना है सिंपली। और फिर इसमें पानी डालकर इसका हमें आटा गूंथ के तैयार कर लेना है, मिला के, जैसे हम रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं बस वैसे ही आटा हमें गूंथ के तैयार करना है। ना ज़्यादा गीला करना है और ना ही ज़्यादा हमें टाइट रखना है। तो बस ये तैयार है, अब हम इसे ढक के 15 मिनट तक रेस्ट देंगे। अब आगे चलते हैं। एक पैन में हम तेल डालेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब ज़ीरा और 1 चम्मच ही साबुत खड़ी धनिया, इसे डाल देंगे और इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें अब डालेंगे अदरक, 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने बारीक कट कर लिया, इसे डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 3 मिर्चें ली हैं, पतली पतली मैंने कट कर ली हैं, हरी वाली मिर्चें, इसे फ्राई करेंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे प्याज, तो यहाँ पे मैंने आधी प्याज ली है, इसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, इसे डालेंगे। और इसे हमें 30 से 40 सेकेंड तक बस फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। फिर हम इसमें और सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने गाजर ऐड की है, 1 छोटी मीडियम साइज़ की गाजर, और यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी, शिमला मिर्च डाल दिया थोड़ा थोड़ा। आप जहाँ चाहें तो अकेले पत्ता गोभी की भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस हमें इसे थोड़ी देर तक पकाना है, 1 मिनट तक, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। फिर हम इसमें इसके बाद इसमें और सारी चीज़ें ऐड करनी है। तो अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और उतना ही आधा छोटा चम्मच हमें लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैंने पहले से इसमें हरी वाली मिर्चें डाल रखी हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे कूटी हुई काली मिर्च, इसमें डालेंगे, और नमक, नमक हमें बहुत थोड़ा सा डालना है, आधा छोटा चम्मच ही, क्योंकि मैंने मैदे में भी नमक यूज़ किया है। तो बस इसे मिलाएंगे और फिर हम इसमें डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, सोया सॉस 1 चम्मच डालेंगे। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे इसे मिलाने के बाद केचप, यहाँ पे मैंने 2 चम्मच केचप यूज़ किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, इसे मिला लेंगी। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, इतने भी बन के तैयार हो जाता है, आप सारी चीज़ें डाल के गैस ऑफ कर दें। तो बस ये तैयार है, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब एक अलग बर्तन में थोड़ा सा 3 चम्मच के करीब मैदा डालेंगे और पानी डालकर इसका घोल तैयार कर देंगे। मैं बताऊंगी आप सबको इसका काम कहाँ होता है। तो यहाँ पे देखिए आटा मैंने निकाल लिया, 15 से 20 मिनट बाद इसे थोड़ा सा गूंथ लेंगे और बस ये तैयार है। हम इसकी गोलियाँ तैयार कर लेंगे, छोटी छोटी, जैसे हम सिंपली पूड़ियों के लिए छोटी वाली लोइयाँ नहीं लेते, वैसे ही हमें लेना है, अच्छे से इसे गोल कर लेना है। तो बस अब अलग चकले पे इसे, यहाँ देखिए एक गोलियाँ मैंने ली, दूसरा, दोनों को हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। और फिर अब हम इसमें लगाएंगे तेल दोनों पे, यहाँ पे देखिए इसमें भी लगाएंगे और एक दूसरे के ऊपर इसे रख देंगे और अच्छे से हमें इसे चिपका देना है। तो बस यहाँ पे तैयार है। अब सूखे, थोड़ा सूखे आटे में, सूखे मैदे में हम इसे मिलाएंगे और हमें इसे थोड़ा हाथों की हेल्प से इसे चारों तरफ से फैलाना है और हमें इसकी रोटी बेल के तैयार कर लेनी है, जैसे पतली रोटी नहीं होती। और फ्रेंड्स, आप सबको ध्यान रखना है कि जब आप दोनों गोलियों को साथ में चिपकाने लगे तो उसमें प्रॉपर तरीके से तेल लगना चाहिए। तो बस इसे हम अच्छे से बेल कर पतली रोटी इसकी तैयार कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, बस इसी तरीके से पतली, देखिए बिल्कुल भी मोटी नहीं है। तो अब चलते हैं इसे हम सेकने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसे हल्का गर्म है, ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, एक साइड डालेंगे, बस तुरंत हमें पलट कर इसके दूसरी साइड पर पलट देना है, कुछ हमें ज्यादा सेकना नहीं है। बस फिर देखिए ये दूसरी साइड भी सेक चुकी है, बस इतना ही हमें सेकना है, बस हम निकाल लेंगे, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं सेकना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे निकाल लिया,
अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें करना क्या होगा। तो हम उठाएंगे, देखेंगे ऐसे सिंपली ये जगह जगह से ऐसे खुल रहा होगा, बस इसे हम खोलते जाएंगे। देखिए इसमें से दो रोटियां निकल के तैयार। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, बहुत इजी तरीके से निकल जाती है फ्रेंड्स। ऐसे ही मैंने सारे बना के तैयार कर लिए, आप ज़रूर ट्राई करें, अच्छे से हो जाता है। बस आप तेल थोड़ा प्रॉपर तरीके से लगाएं और थोड़ा सा ही सेंके, बहुत ज़्यादा मत सेंके। फिर इसके बाद ये दो रोटियां अलग से बीच से अलग हो जाती हैं। तो अब इसके बीच बीच में नहीं, हमें थोड़ा ऊपर ही सब्जियां ऐड करनी इसमें। और यहाँ पे मैंने जो मैदे का घोल तैयार किया था इसे हम ग्लू की तरह यूज़ करेंगे, इसके चारों तरफ लगाएंगे और फिर इसे चिपकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ मैंने लगा दिया, अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो इस साइड से अच्छे से दबाएंगे और फिर हम आगे की तरफ चलेंगे, ऊपर से ऐसे दबाएंगे और फिर हमें ऐसे रैप कर लेना है इसे। और लास्ट में आके यहाँ पे देखिए इस साइड भी अच्छे से चिपक जाता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये कितनी अच्छी तरीके से रेडी है। इसी तरीके से हम सारा यहाँ पे बनाकर तैयार कर लेंगे, बहुत आसानी से बन जाता है, कोई भी झंझट नहीं है। बस यहाँ पे अब सारा रेडी है, आप देखिए। अब चलते हैं आगे की तरफ, इसे हम फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल को गर्म होने रख दिया है, तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो बस तेल में हम इसे डाल देंगे और थोड़ी देर रुकेंगे, फिर इसके बाद हम इसे दूसरी साइड पलटेंगे। और इसी तरीके से हमें पलटते पलटते इसे अच्छे से लाल होने तक सेंक लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसका कितना प्यारा कलर चेंज हो चुका है। तो बस हमें और ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, नहीं तो ये जल जाएंगी, तो हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे निकाल लिया। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारा सेंक के निकाल लिया। देखिए कितनी अच्छी तरीके से स्प्रिंग रोल्स सारे रेडी हैं, बहुत अच्छे तरीके से बन गए हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनते हैं। मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए हम इसे तोड़ेंगे बीच से। देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी तरीके से ये पक चुका है। अभी ये थोड़ा गर्म है इस वजह से थोड़ा ऐसे लूज़ लग रहा है, नहीं तो बहुत अच्छे तरीके से रेडी है। तो आई होप गाइस आपको हमारी वेज स्प्रिंग रोल की ये वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।